मछली शहर जौनपुर, बी मार्ट शॉपिंग मॉल का हुआ उद्घाटन, खरीददारों की उमड़ी भीड़। मां ने फीता काट कर किया उद्घाटन, बच्चों को दी बधाई। बंधवा बाजार मछली शहर, प्रसिद्ध समाजसेवी तनवीर अहमद द्वारा बी मार्ट शोरूम बंधवा बाजार त्रिमुहानी जंघई रोड में खोल दिया गया है। बंधवा बाजार का पहला कंप्लीट शॉपिंग मॉल का उद्घाटन उक्त समाजसेवी की माता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर दानिश इकबाल ने कहा कि बी मार्ट शोरूम खुलने से क्षेत्र के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। तनवीर अहमद ने कहा कि समय की रफ्तार के साथ साथ स्थानीय बाजार में कई बदलाव आए हैं। बड़े शहर की तर्ज पर अपने गाँव में कम्प्लीट शॉपिंग मॉल खुलने से स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा। बंधवा बाजार में कम्प्लीट शॉपिंग मॉल की कमी काफी अरसे से लोगों को खल रही थी, लेकिन इस शोरूम के खुलने लोगों को फायदा और रोजगार मिलेगा। माता ने रिटेल स्टोर का शुभारंभ फीता काटकर किया। लोगों ने इस उद्घाटन की खूब सराहना की। उक्त मॉल में राशन से लेकर तेल मसाले और कपड़े से लेकर जूते चप्पल तक की विशाल श्रृंखला मौजूद है। रोजमर्रा की जरूरत के सभी सामान एक छत के नीचे उपलब्ध होने से स्थानीय लोगों को काफी सहूलतें मिलेंगी। इस मौके पर तनवीर अहमद, दानिश इकबाल, महफूज अहमद, हाशिम इकबाल आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट हाफिज नियामत, पत्रकार। क्या है और ये जो है इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा माल खोलने का आपका आइडिया कैसे आया? आप ये मछली शहर में भी खोल सकते थे, जौनपुर में खोल सकते थे, दरअसल इतना बड़ा माल इतने छोटे से गांव में। दरअसल हम ये चाह रहे थे कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमारा गांव है, गांव गांव नहीं है। अब गांव को लोग गांव में समझिए। गांव का भी आदमी अगर कमाना जानता है तो वो खर्च भी करना जानता है। वही उसकी ये हमारी ये सोच है कि हम अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़े। ये आप सोचते हैं जी, इसी वजह से इतना बड़ा माल इतना बड़ा हमने खोला और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, हम और भी आगे इस चीज को और भी ऊंचाई पे ले जाएंगे। हमारी सोच ये है कि और भी इस तरह से हमारे लोग और भी निकल के आए, और भी लोग आए, आने के बाद दो चार माल इस तरह से बने ताकि हमारे क्षेत्र के और भी लोग जो है गाँव से जुड़े हुए गाँव है वो और खोले, जिससे हमारे देश का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हम लोगों का विकास हो। ये हमारी सोच है। नाम है आपके मॉल का? मेरा नाम, मेरे मॉल का नाम बी मार्ट है। किस जगह पे स्थित है ये? ये बरावा, बरावा बंधवा, बरावा पुलिस चौकी के पास। इस मॉल खोलने की वजह से जैसे लोग बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ जाते थे शॉपिंग करने के लिए शादी विवाह का, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा था जो मैंने देखा है। दरअसल हमारी सोच ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे लोगों का पैसा कम से कम खर्च हो, जो दूर जाके उनका किराया बचे, बाहर जाने पर उनका समय की बचत हो और जाने में धक्का न खाना पड़े। ये अपने गांव में ही रह के अपने समय को बचत करें और अपने पैसे भी बचाएं। इसी वजह से यही हमारी सोच थी कि हमारे लोगों का विकास और डेवलपमेंट और हमारे गांव का डेवलपमेंट हो, यहां अच्छे से अच्छा स्कूल खुले, कॉलेज खुले, हॉस्पिटल खुले और हमारे गाँव के लोग, हमने ये किया और लोग भी हमारे इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो लोग भी आगे आएंगे और इस तरह से अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद फरीदी है। मकसद क्या आपका मॉल खोलने का? मकसद ये है कि रोजगार के सृजन करना, रोजगार देना लोगों को, रोजगार देना लोगों को जो है जो दूर जाके उनका सुविधा होती है वहाँ वो हाँ वो गांव में ही अवेलेबल है। आप बता सकते हैं जी क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं? सारी चीजें हैं। हमारी सोच ये है कि हमारे बड़े लोगों के पास जो होता है कि वो जाके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, लुलू मॉल में ये और फिनिक्स में चले जाते हैं। हमारे गरीब भाई जो हैं, गरीब भाई बहन जो हैं, उनके एक सपना होता है कि हम भी मॉल में जाएं। तो हम इसी सोच को लेकर एक गांव में एक छोटा सा अपना एक मॉल बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया ताकि हमारे गांव के लोग जो गरीब हैं, जो गरीब तबके निर्धन परिवार के लोग, वो भी आके उनका जो सपना वो पूरा हो सके। ये माल जो खुला है यहाँ, तो ये आप उनके बड़े भाई हैं क्या? जी मैं बड़ा हूँ। बताइए, खुशी हो रही है हमको? बेहद खुशी हो रही है और इस हुजूम को देखते हुए अभी हमारे छोटे भाई ने जो इस माल को पूरा करता धरता है उनकी बातों को सुना, मैं उनकी बातों से पूरा सहमत हूँ कि कम से कम ये गरीब जो मुफलिस की जिंदगी जीने वाला आदमी जो बाहर माल में जैसे लुलू माल खुला हुआ है, फिनिक्स है, बीमार्ट है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो बड़े बड़े लोग पहुंच जाते हैं लेकिन हमारे गरीब तबके के गाँव के लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस माल को छोटी सी चीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे और भी जो गरीब तबके के लोग हमारे भाई हैं उनको वो मुहैया सामान मुहैया हो सके और उनको ये खुशी हो सके कि नहीं मैंने माल से सामान लिया। दानिश इकबाल फरीदी, एडवोकेट, हाईकोर्ट लाभ। आपके ध्यान में ये चीज कैसे ख्याल में आया कि इसे कुछ किया जाए?
देखिए ऐसा है कि चूंकि हमारे पास भट्टा था, मैंने भट्टे में रोजगार दिया लोगों को, 250 लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया। उसके बाद हमारा हीरो होंडा हीरो एजेंसी हमारे पास है, उसमें भी कम से कम 15 से 20 आदमी काम कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारे थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, जहाँ उनको 10 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये कमाने के लिए बम्बई कलकत्ता मद्रास जाना पड़ता था, अब उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हो सकेगा हम उतना ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले माँ, माँ से ही आदमी जो है, जब माँ का जो है हाथ जो है सर पे रहता है तो वो आदमी जो है खुद बखुद डेवलप करता चला जाता है। इसलिए मेरे जो है दिमाग में आया कि माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ से ही फीता कटवाएंगे। कहा जाता है कि बड़े बड़े एमपी एमएलए को बुलाकर फीता कटवाते हैं, जिला पंचायत बहुत सारे राजनेताओं को बुलाकर फीता कटवा, लेकिन माँ के द्वारा फीता कटाया गया तो सर? ये मेरा फैसला था कि मैं अपने माँ से ही फीता जो है, क्योंकि माँ ऑटो सेल का फीता जो है, मैंने जो है मनोज जी आए थे तो उन्होंने ही कहा कि नहीं पहले माँ, तो माँ ने ही फीता काटा तो वहाँ पे भी, और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं माँ को ही जो है हम लेके जाएंगे और फीता कटवाएंगे, और माँ से बड़ा कुछ नहीं है, और माँ का ही जो है प्यार और स्नेह है वो जो है उनका हाथ जो है सर जो है सर पे है, उन्हीं का आशीर्वाद और दुआ है कि जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। कि मैं यही कहता हूँ मेरे जितने भी जो है ग्रामवासी है, माँ से बड़ा कोई नहीं, माँ से प्यार करो, खुद बखुद आगे बढ़ते रहोगे। लोग जो सोचते हैं कि नहीं हमारी जो है दूसरी हम माँ गए हैं, बीवी है, बीवी कहने पे माँ का जो है ऐसा ऐसा जो है वो नहीं कहना चाहिए। माँ जो है अगर उनकी दुआ है तो आप समझ लीजिए कि खुद बखुद आदमी जो है आगे जो है सीढ़ी पे चढ़ता चला जाता है, उसकी ऊंचान जो है माँ ही है। मेरा नाम महफूज अहमद फरीदी जो है, कोष बरावा जो है, विलेज बरावा, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर जी। थैंक यू।